आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खसखस का खीर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बेसन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून राइस लिया है, इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अभी हम मीडियम फ्लेम में इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज होने लग गया है। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून खसखस है उसको भी इसमें ऐड करके रोस्ट कर लूंगी। अभी इसको भी चलाते हुए हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। अभी ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें अच्छे से खुशबू भी आने लग गई है। अभी गैस का फ्लेम जो है हम ऑफ कर देंगे। अभी इसको जार में डाल लेते हैं। अभी उसी पैन में थोड़ा सा घी डाल दूंगी मैं और 5 to 6 कैशू नट, 7 to 8 आलमंड्स को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। थोड़े से किशमिश और कैशू नट में गार्निशिंग के लिए फ्राई करके रख लूंगी। अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स और खसखस जो है ठंडा हो चुका है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फ्रेश नारियल इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी इस तरह से बिना पानी डाले ही मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अगर हम पहले ही इसमें पानी डाल देंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा। अभी आप इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अभी इसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अभी ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, इस तरह से पूरा फाइन हमको इसको ग्राइंड करना है। अभी मैं इसको साइड में रख दूंगी। अभी यहाँ पर एक दूसरे पैन में मैं 1/2 ग्लास पानी डाल के इसको गर्म कर लूंगी। अभी पानी गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी गुड़ ली हूँ जिसको इसमें डाल के इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पूरा पिघला लेंगे। पूरा जैगरी जो है अच्छे से पानी में घुल गया है। अगर आपका जैगरी अच्छे से क्लीन नहीं है तो यहाँ पर आप उसको छान सकते हैं। अभी मैं इसमें जो हम पीस के रखे थे वो पेस्ट ऐड कर देंगे। अभी जार को भी थोड़ा धो के हम इसमें डाल देंगे। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने देंगे। अगर यहाँ पर आपको लगे कि मीठा कम है तो आप जैगरी का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अभी इसमें अच्छे से बॉईल आने लग गया है, इसी तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम में 5 मिनट्स तक पका लेंगे। अभी ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और इसको हम 2 घंटा फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। अभी हमारा खसखस का जो पायसम है वो बनकर रेडी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। अभी हमारा ठंडा ठंडा खसखस का पायसम जो है रेडी हो चुका है, हम इसको ग्लास में डाल लेंगे। ऊपर से हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे वो डाल देंगे। थोड़ा सा केसर डाल दूंगी मैं ऊपर से। अभी हमारा ठंडा ठंडा खसखस का खीर जो है बनकर रेडी है। तो आज हम बनाएंगे साबुदाना मिक्सचर और हम इसे व्रत के लिए बनाएंगे। आप चाहे तो इसे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप छोटे वाले साबुदाना ले लिया है और 3 स्पून यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने सेंधा नमक लिया है क्योंकि मैं इसे व्रत के लिए बना रही हूँ। अगर आप इसे व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ तेल गर्म करने के लिए रख दिया था और अभी गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम है और अब हम ये स्ट्रेनर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा साबुदाना डाल के इसे फ्राई करेंगे। अगर आपके पास ये स्ट्रेनर नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट ऑयल में डाल सकते हैं और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे थोड़ी देर फ्राई कर देंगे। तो अभी मैंने इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब इसमें जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बचे हुए साबुदाना को भी इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं साबुदाना कितने अच्छे से फूल फूल के ऊपर आते जा रहा है। अब ये फ्राई हो चुका है और हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेंगे।
अब एक मिनट हो चुके हैं और मूंगफली भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना और मूंगफली को फ्राई कर लिया है और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब हम इसमें काली मिर्च और सेंधा नमक को डाल के मिक्स कर अगर आपके पास टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए साबूदाने को धूप में सुखा के फिर इसे फ्राई कर सकते हैं। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा साबूदाना मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो आज हम बनाएंगे श्रावण मंडे स्पेशल बनाना भोग। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मंडे है और क्या प्रसाद बनाएं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही जल्दी झटपट बनकर रेडी हो जाता है और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इस बनाना रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के बनाना ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला बनाना नहीं है तो आप छोटा बनाना भी ले सकते हैं। जैगरी जिसको पाउडर कर लिए है, कोकोनट है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 इलायची जिसको पाउडर करके रखा है यहाँ पर मैंने, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और हनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और जो बनाना है उसको इसमें कट करके डाल लेंगे। और अभी हम इसमें सबसे पहले 1 टेबल स्पून हनी डाल देंगे। जैगरी आप इसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको कितना मीठा चाहिए आप उसके हिसाब से जैगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट मैं पूरा यूज कर रही हूँ। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप आधा घंटा पहले बना कर रख लेंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छे से जो जैगरी है इसमें मिक्स हो जाता है तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी पूजा है और समझ ना आए कि भोग के लिए क्या बनाएं तो आप ये 5 मिनट्स में बनने वाला प्रसाद रेडी कर सकते हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरह से इसमें जैगरी के देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस है, अगर आधा घंटा पहले हम इसको बना के रखेंगे तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाता है और जैगरी जो है पूरा मेल्ट हो जाता है। अभी ऊपर से जो इलायची मैंने पाउडर करके रखे थे उसको भी इसमें इस तरह से डाल देंगे। अभी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, ऊपर से मैं थोड़ा सा और हनी डाल के इसको गार्निश कर दूंगी। और मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो ऊपर से इसमें इस तरह से डाल देंगे। और अभी हमारा जो बनाना का भोग है वो बनकर रेडी है। अगर आपको ये झटपट बनने वाली बनाना की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट लस्सी। मैं इसे फास्टिंग के लिए बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 कप दही, 1 चम्मच चीनी, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, 1/4 टेबल स्पून इलायची पाउडर, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 काजू, 6 बादाम और 6 पिस्ता जिसे मैंने बारीक काट लिया है और इसे हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है और अब हम इसमें दही को छोड़ के सारे इंग्रेडिएंट्स को उसमें डालेंगे और इसे अब एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें दही भी डाल देंगे और इसे भी एक बार ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर्ड को भी एक बार ग्राइंड कर लिया।
और अब हम थोड़ा पिस्ता डालेंगे। और यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट लस्सी बिल्कुल तैयार है।